जी, हर वर्ष यहाँ माता चामुंडा का आशीर्वाद लेकर के पूरा दिन उनके कार्यक्रम रहते हैं, लेकिन इस वर्ष क्योंकि आपदा बहुत आई है प्रदेश में, तो लगभग 10,000 वृक्ष जो है वो धर्मशाला मंडल जो है भारतीय जनता पार्टी का वितरित कर रहा है, और 10,000 वृक्ष फलदार वृक्ष उनको रोपित किया जाएगा, सुनिश्चित किया जाएगा कि वो उनकी देखभाल हो, और कुछ कुछ अंतराल के बाद उनको देखा भी जाएगा। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा अभियान है, एक पेड़ माँ के नाम जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका आह्वान किया है, तो उसको आज से शुरू कर 10,000 पेड़ों का लक्ष्य रखा गया है। और आज क्या कुछ कार्यक्रम जो है पूरे दिन आपके रहने वाले हैं? क्षेत्र में अलग अलग जगह पर जाकर के पौधे जो है उनको वितरित किया जाएगा, रोपित किया जाएगा, और यही जो है अभियान, इसको आज का दिन इसी को महत्व रखा गया। सर, प्रदेश में आपदा भी चल रही है, और अभी अगर बात करें तो मुख्यमंत्री जी जो है नीति आयोग की बैठक में सम्मिलित नहीं हुए हैं, किस तरह देखते हैं इस मसले को, क्योंकि प्रदेश में काफी अहम मुद्दे हैं और नीति आयोग में उनका हल हो सकता है? जो इनका इंडिया अलायंस है उसका निर्णय था कि उसमें जाना नहीं है, तो ये भी नहीं गए, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी तो उसमें गई थी, हालांकि उन्होंने बाद में कहा कि मुझे समय कम मिला, तो मुझे लगता है जाना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए, और जब तक आप प्रदेश के हितों को रखेंगे नहीं सामने, तब तक जो है उसके ऊपर निर्णय कैसे होगा। तो जब आप जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं, पहले ऐसे व्यक्ति इस प्रदेश के हैं जो वहाँ बात रख सकते हैं जाके, जब आप ही नहीं जाएंगे तो प्रदेश का जो है वो कौन वहाँ पर जाकर पक्ष रखेगा। तो मुझे लगता है कि ना जाना वहाँ पर जो है ये प्रदेश के लिए जो है अच्छी बात नहीं। और सर, ईडी की रेड्स भी जो है यहाँ कांग्रेस नेताओं पर हुई है, खास करके कांगड़ा की हम बात कर लें, किस तरह देखते हैं इस मसले को लेकर, इस पर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है? जैसी करनी वैसी भरनी, ईडी की रेड कोई करवाता नहीं है, ईडी तो जो अगर किसी ने कुछ ऐसा किया होगा ईडी तभी आ सकती है, तो जांच एजेंसियां तभी आती हैं जब कोई ऐसे काम हुआ हो, और ये आयुष्मान भारत जो स्कीम है उसके तहत की रेड है, इसकी अनुशंसा जो है वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की है, उनके हस्ताक्षर हैं कि जांच होनी चाहिए ईडी की, तो इसमें जो है वो ईडी को दोष देना, भाजपा को दोष देना, किसी व्यक्ति को दोष देना हास्यास्पद बात है। ये तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के हस्ताक्षर हैं कि जांच होनी चाहिए, अब करने से पहले पढ़ते नहीं है, तो जब ऐसी चीज हो जाती है दोष भाजपा को देंगे, तो मुझे लगता है ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति है प्रदेश के अंदर। सर, इसके अलावा यदि बात की जाए तो अभी धर्मशाला के विकास को लेकर के किस तरह से आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर कार्य नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए क्या योजना है आपकी? देखिए, जितने भी विकासात्मक कार्य हैं पूरे होंगे, हो सकता है कुछ देरी हो, कुछ विलंब हो सकता है, लेकिन उनको पूरा करना जो है वो हमारा संकल्प है, और उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, उसमें धनराशि भी दी हुई है। हो सकता है कुछ अधिकारी जो है अपनी इच्छा से लगा दिए, उनके काम ना किया जाए, तो अभी तो कुछ ये समय है जिसको हम सिर्फ देख रहे हैं, नहीं तो सुधीर शर्मा चुप बैठ के ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठने वाला थोड़ी है, तो अधिकारियों का खराब होगा, वहां पर हम जाएंगे मंडल के साथ जाकर के बात करेंगे कि जिस पैसे का उपयोग होना चाहिए अगर उसको आप रख के बैठ जाएंगे तो उसका औचित्य नहीं है, तो ये इतनी आसानी से अगर सोचेंगे कि भाई काम नहीं चलना है तो बहुत दुख में है। केंद्रीय विश्वविद्यालय एक बड़ा मुद्दा है और उपचुनाव में भी ये मुद्दा रहा, अब संघर्ष समिति भी आपसे इसको लेके मिली है, कैसे जो सरकार है वो इसका जो अभी पैसा जमा करवाना है उसको नहीं करवा रही है? राज्यपाल जी को ज्ञापन देंगे, ये वही सरकार है जो कि एक तरफ से पैसा वापस कर रही है कि बल्क ड्रग पार्क का 30 करोड़ रुपया, और दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी का पैसा जमा नहीं करवा रही है, तो ये दोहरे मापदंड तो नहीं चलेंगे प्रदेश के अंदर। केंद्र की योजनाओं का पैसा भी प्रदेश सरकार लौटा रही है, बल्क ड्रग पार्क की बात हो चाहे अन्य प्रोजेक्ट्स पे, तो उसको किस तरह देखते हैं? नहीं, जरूरत ही नहीं है, 10 साल में तो सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है हिमाचल प्रदेश, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, सुधीर शर्मा ने थोड़ी कहा, जब जरूरत ही नहीं है पैसे की तो वापस ही लौटाएंगे, तो अब किस तरह से 10 साल में इतनी बड़ी इकोनॉमी बनाएंगे उसका जवाब भी देना पड़ेगा, थोड़ा ही समय बचा है। ठीक है।